तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो गणेश जी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बहुत ही बड़ा बनाया गया है गाइस ग्राउंड को। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो गणेश जी के बारात में आए हुए बहुत सारे मुस्लिम लोग अलग अलग प्रकार से नाच रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो गणेश जी बहुत ही अच्छे शेरवानी को पहने हुए हैं, और क्योंकि उनका आज शादी है, विवाह है। तो दोस्तों आगे में शादी भी हो रहा है और गाना वाना बजाते लेके जा रहे हैं गणेश जी को। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो एक और मूसिका कितने अच्छे तरीके झूम रही है, और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो एक मूसिका कितने अच्छे तरीके से डांस कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो शंकर जी के जितने भी गढ़ हैं वो डांस कर रहे हैं। राधा मटर पनीर है और इंद्राणी मिक्स वेज करके है, देखिए विष्णु जी और नंदी महाराज देवता खा रहे हैं, क्योंकि गणेश जी का विवाह हो रहा है एक साइड में, और एक साइड में खाना वगैरह खा रहे हैं देवताएं लोग। तो दोस्तों अभी मैं आया था सीतामढ़ी कोरबा, और सीतामढ़ी में प्रसिद्ध गणेश उत्सव समिति सीतामढ़ी के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से झांकी बनाया गया है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप गणेश पंडाल के अंदर प्रवेश करेंगे आपको ऊपर में हनुमान जी दिख जाएंगे, जो कि रावण की लंका को दहन करके आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो आगे में गणेश भगवान विराजमान है, और यहाँ पर पूजा प्रारंभ हो चुकी है। और अगर आपको झांकी देखने के लिए जाना है तो यहाँ से आपको आगे की ओर जाना पड़ेगा, और सामना करेंगे बल्लेबाज श्री गणेश। और इस बार फिर से हवा में 6 रनों के लिए बेहद बाउंड्री लाइन के बाहर, और 3 गेंदों पर चाहिए 14 रन। नारायण नारायण। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो गणेश जी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बहुत ही बड़ा बनाया गया है गाइस ग्राउंड को। और चलिए आपको पास पास से दिखाते जाता हूँ, गणेश जी हो गया, नंदी महाराज हो गया, महादेव जी, पार्वती माता क्या क्या कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, कीपिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं करके आपको अच्छे से पास जाके दिखाते जाता हूँ गाइस। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो गणेश जी बैटिंग कर रहे हैं, और देख सकते हो कितना प्यारा लग रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मूसक राज जी बॉलिंग कर रहे हैं, और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो नंदी महाराज जी विकेट कीपर बने हुए हैं, और देख सकते हो गेंद के पकड़ने के लिए ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो पार्वती माता जी रनिंग लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो भिंगी है वो अंपायर बना हुआ है, और वो जो गणेश जी सिक्स बॉल को मार दिए उसको बता रहे कि सिक्सर हो गया करके, ये देख सकते हो आप। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे मूसक राज हैं, अभी आपको एक ही दिख रहा होगा, और इन लोग मतलब की फील्डिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो महादेव जी हैं और पार्वती माता है जो कि बैठे हुए हैं और गणेश जी के बैटिंग को देख रहे हैं गणेश जी को, और वो मूसक राज बैठे हैं, मूसक राज का जो पैर है मतलब मूसक राज चल रहे हैं, और गणेश जी आराम से बैठे हुए हैं। उसके अलावा महादेव जी आशीर्वाद दे रहे हैं, और बहुत सारे देवी देवता हैं वो भी आशीर्वाद दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो बाजा बजा रहे हैं, और कितना अच्छे तरीके से बजा रहे हैं, देख सकते हो गाइस मोमेंटल बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है भाई। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो नंगाड़ा बजा रहे हैं, उसके अलावा और क्या बोलते हैं तबला बजा रहे हैं, और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो एक झुनझुना बजा रहा है और एक चोंगा बजा रहा है। तो दोस्तों आगे में शादी भी हो रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो मूसक राज जो कि बहुत ही दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, और मस्त धूमधाम से हो रहा है, गाना वाना बजाते लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा गणेश जी क्रिकेट खेल रहे थे, उसके बाद गणेश जी का बारात जा रहा था, उसमें बहुत सारे देवी देवताएं शामिल थे, और बाजा बजाने के लिए बहुत सारे महादेव जी के भक्त शामिल थे। अब यहाँ पर फाइनली गणेश जी का विवाह संपन्न हो जाता है, और जो पार्टी होता है देवी देवताएं करते हैं, मतलब कि जो बफर सिस्टम होता है नॉर्मली हम लोग खाते हैं वैसे यहाँ पर भी खिलाया जा रहा है देवी देवताएं और जो महादेव के भक्त हैं उनको। तो चलिए यहाँ पर आपको पूरा दिखाता हूँ गाइस, और मूसक लोग बहुत सारे जो है वो नाच गाना कर रहे हैं क्योंकि गणेश जी का विवाह संपन्न हो गया इसलिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो गणेश जी के बारात में आए हुए बहुत सारे मूसक लोग अलग अलग प्रकार से नाच रहे हैं, ये आप देख सकते हो बहुत नाच रहे हैं, बहुत खुश है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मूसिका किस टाइप से नाच रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है उसका डांस मेरे को, तो ये आप देख सकते हो घूम घूम के डांस कर रही है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो एक और मूसिका कितने अच्छे तरीके झूम रही है, झूम झूम के नाच रही है, तो बहुत खुश है, ये देख सकते हो गाइस।
और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो एक मूसा कितने अच्छे तरीके से डांस कर रहे हैं, झूम झूम के हाथ को ऊपर कर कर के जैसे हम लोग नाचते हैं, ये देख सकते हो गाइस। तो दोस्तों यहाँ पर अभी आप और देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से डांस कर रही है ये भी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो शंकर जी के जितने भी गढ़ हैं वो डांस कर रहे हैं, जितने भी उनके भक्त हैं नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं और कितना अच्छे तरीके से डांस कर रहे हैं। देख सकते हो कमर हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, हाथ ऊपर नीचे करके नाच रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो बीच में उल्टा खोपड़ी वाला हाथी नाच रहा है। और दोस्तों यहाँ पर आप एक बार क्राउड को देख सकते हो कितना ज्यादा क्राउड है, देख सकते हो गाइस कितना ज्यादा क्राउड है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो राधा मटर पनीर है और इंद्राणी मिक्स वेज करके है, जो कि विष्णु जी और नंदी महाराज देवता खा रहे हैं क्योंकि गणेश जी का विवाह हो रहा है एक साइड में, और एक साइड में खाना वगैरह खा रहे हैं देवताएं लोग। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो और बहुत सारे देवी देवताएं खाना खा रहे हैं, वैष्णवी पुलाव हो गया, नंदी मोदक करके हो गया और सभी मूसक राज पकवानों को देवी देवताओं को खिला रहे हैं, मतलब कि सर्व कर रहे हैं। तो दोस्तों एक तरफ देवी देवताओं लोग खाना पीना खा रहे हैं और एक तरफ महादेव के जितने भक्त हैं वो खा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बम बम रस मलाई हो गया, बजरंगी छप्पन भोग हो गया और उसके अलावा यमराजी रसगुल्ला, हिम क्रीम बर्फगुल्ला, ऐसे करके बहुत सारे आइटम है जो की मूसक महाराज लोग दे रहे हैं महादेव के भक्त लोग को। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो गणेश जी बहुत ही अच्छे शेरवानी को पहने हुए हैं और क्योंकि उनका आज शादी है, विवाह है और जी सिद्धि माता के साथ उनका शादी हो रहा है, देख सकते हो आप। तो दोस्तों जैसा कि आपको गणेश जी का विवाह मैं दिखा चुका हूँ और यहाँ पर शिव पार्वती जी है, यहाँ पर डरावना साउंड चालू हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो पार्वती माता जी है और यहाँ पर गणेश जी हैं, पार्वती माता जी स्नान कर रही हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं टांत जैसे पानी गिरता है वैसे यहाँ पर बनाया गया है और देखो कितना अच्छा लग रहा है गाइस पानी वानी गिर रहा है। तो दोस्तों थोड़ा सा आगे चला तो यहाँ पर मेरे को महादेव जी दिख चुके हैं जो कि नंदी महाराज में विराजमान है आप देख सकते हो, और यहाँ पर आप देख सकते हो महादेव जी हाथों में त्रिशूल रखे हैं जो कि कितना बड़ा है और कितना सुंदर लग रहा है, और महादेव नंदी महाराज में बैठे हुए हैं जो कि काफी बड़ा है ये देख सकते हो गाइस, उसके अलावा कितना बड़ा सिंह है देखो आप। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत लोग फोटो वगैरह क्लिक कर रहे हैं महादेव के पास में और बहुत लोग इसको देखने के लिए आ रहे हैं गाइस, यहाँ पर ज्यादा फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं क्योंकि काफी अच्छा बनाया गया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, झांकी किस प्रकार से लगा वो भी मेरे को बताइएगा, और आप सीतामढ़ी जरूर आइएगा, कोरबा शहर में है तो जरूर आइएगा यहाँ विजिट करने के लिए क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से झांकी बनाया गया है बोल सकते हो आप, और चार्ज मात्र 10 रुपये है पर आपको अंदर जाके बहुत ही आनंद मिलेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत सारे चीज बनाए गए हैं मेरे को तो सीरियसली बोलूँ तो बहुत अच्छा लगा। तो चलिए बारिश भी स्टार्ट हो चुका है, अब चलते हैं घर, कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा वीडियो और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं इसको भी बताइएगा।